हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम वी। AIL जूनियर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। एग्जाम इज ऑन 21st ऑफ अक्टूबर, तो अब आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया है, अराउंड 22-23 डेज इन योर हैंड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग वॉट यू कैन डू इन दीज रिमेनिंग 22-23 डेज, हाउ यू कैन बेस्ट यूटिलाइज योर टाइम, वेयर यू शुड फोकस मोर अप। बाई नाउ यू नो द एग्जाम पैटर्न। There are 120 questions or 120 marks. The duration of the exam is 2 hours. Part A has 30% weightage. That means 36 questions are there in Part A. 9 questions from each subject: general knowledge, general intelligence, general aptitude, and English. And Part B has 70% weightage. That means 84 questions from Part B. From law, there will be 84 questions. So you will have to devote a majority of your time in the remaining days on the law part. पार्ट ए को इग्नोर नहीं कर सकते। पार्ट ए में से 36 क्वेश्चंस आएंगे विच कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू वेदर यू क्लियर द एग्जाम और नॉट। गोइंग फॉरवर्ड विल सी इन द रिमेनिंग डेज पार्ट ए में से हम किस पे फोकस कर सकते हैं एंड डे वाइज हम पार्ट बी के कौन से टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज, दीज आर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज फ्रॉम आर कोर्स। आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं आप उसमें सिमिलर चीजें ढूंढ सकते हैं। आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी हो, आपके कुछ बेसिक्स क्लियर हों। इन दीज डेज यू कैन फोकस ऑन स्पॉटिंग एरर्स, यू विल गेट क्वेश्चन ऑन स्पॉटिंग एरर्स। देन फिलर्स, दिस इज अनदर एरिया फ्रॉम विच यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन। वर्ड यूसेज इज अनदर, स्पेलिंग्स अनदर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अनदर। सो दीज आर द मेजर एरियाज फ्रॉम विच यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन। इनमें से काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ब्रीफ हैं। इनफैक्ट नोट्स में आपको एक दो वीडियोस या एक दो नोट्स प्रैक्टिस टेस्ट ही मिलेंगे विच विल टेक लेस ऑफ योर टाइम। स्पेलिंग मिस्टेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें वोकैबुलरी का भी बहुत मेजर रोल है। अब इस लिमिटेड टाइम में आप कितने वर्ड्स याद कर पाएंगे वो आपके बेसिक्स पर डिपेंड करेगा। तो टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ऑल दीज आर योर बेसिक्स एंड आई होप आपने इनको पढ़ा हो। इन्हीं को यूज करके आप स्पॉटिंग एरर्स, फिलर्स, वर्ड यूसेज, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट इन सब पे वर्क कर सकते हैं। मूविंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज जनरल एप्टीट्यूड। यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, मेंसुरेशन से आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आते हैं। सो दिस इज वन एरिया दैट यू कैन स्टडी सिंप्लीफिकेशन। अनदर इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन से लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, वो आपको नंबर सिस्टम में मिल जाएगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। उसके बाद मेंसुरेशन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, देन HCF LCM इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। तो अरिथमेटिक में इतने टॉपिक्स हैं कि आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आपको अपने बेसिक्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। आपने 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स पढ़ा है, आप थोड़े अपने बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए ताकि आप वहां पर एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर लग रहा है उसे मार्क कर दीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज जनरल अवेयरनेस, दिस इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और 9 क्वेश्चन आने हैं सब्जेक्ट से। आई थिंक 3-4 क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स पे फोकस कर लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है तो मॉडर्न हिस्ट्री देख लीजिए। साइंस से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज हो जाते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस से भी एक क्वेश्चन था फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, दिस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड फॉर यू इन द लॉ पार्ट, तो ये तो आपको प्रिपेयर्ड है। यहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत साइंस पे फोकस कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स पे भी फोकस कर सकते हैं। अगर आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके कुछ टॉपिक्स उसमें प्रिपेयर्ड भी होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर्स, अल्फाबेट सीरीज से मिल जाएंगे और कोडिंग डिकोडिंग से भी। दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही आते हैं फ्रॉम ब्लड रिलेशन, फ्रॉम रैंकिंग। सो दीज आर अदर इंपॉर्टेंट एरियाज। उसके बाद एनालॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, हाउ वन वर्ड इज रिलेटेड टू द अदर वर्ड। इन द पेपर दैट आई शेयर विद यू आई थिंक देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो यहाँ से करने हैं। देन कमिंग टू योर लॉ पार्ट, दिस इज वॉट आई एम सजेस्टिंग, आप थोड़े टाइम पीरियड को मॉडिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड इन एवरी सब्जेक्ट। सो आई एम सेइंग आज और कल आप CPC और लिमिटेशन एक्ट रिवाइज कर लूँ, देन
डे आफ्टर टुमारो ऑन 30 सितंबर गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद आर्बिट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, देन 3rd ऑफ अक्टूबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड एयरक्राफ्ट एक्ट को आप रिवाइज कर लो, 5th अक्टूबर को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या पढ़ना है ये अमृता मैम ऑलरेडी आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुके हैं, देन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, देन पार्टनरशिप एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू टेंडर्स एक साथ पढ़ लीजिए। पार्टनरशिप एक्ट छोटा है पर लॉ रिलेटिंग टू टेंडर्स में मेजरली आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी और आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट पर फोकस करना है, थोड़ा बहुत आपको इसको टेंडर स्पेसिफिक पढ़ना है और थोड़ी टेंडर की गाइडलाइंस पढ़नी है, दैट इज वॉट यू हैव टू स्टडी इन लॉ रिलेटिंग टू टेंडर्स। देन वी विल मूव टू लेबर कोड्स, कोड ऑन वेजेस इज रिलेटिवली स्मॉल वन, इसके साथ साथ आप मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पढ़ लीजिए, दीज आर लेबर लॉज, एक दिन में हो जाएगा क्योंकि अगर आप कोड ऑफ वेजेस पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये दिन आपके लिए कंपेरेटिवली ईजी होंगे पढ़ने। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दिस इज अज वन, मे बी इट कैन टेक मोर देन अ डे, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड को आप 1-1.5 days में कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ईजी हो जाएगा पढ़ने में, फिर आप इनको फटाफट कवर कर लीजिए। डेफिनेशंस आप लेबर कोड्स में से ही पढ़ लीजिए, डोंट गो फॉर डेफिनेशंस इन द लेबर लॉस। देन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, अगेन अ ह्यूज लेबर कोड, पहले आप 11th अक्टूबर को इसको पढ़ लीजिए एंड देन 12th अक्टूबर को इस कोड को खत्म करके इन लॉस को एक बार देख लीजिए। उसके बाद आपका 13th अक्टूबर को आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड देख लीजिए एंड 14th अक्टूबर को उससे रिलेटिव लेबर लॉस पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको कंपनीज एक्ट रिवाइज करना है, कंपनीज एक्ट में आपको किन एरियाज पर मेजरली फोकस करना है दैट वी विल डिस्कस सून, सिमिलरली देन गो फॉर आईबीसी एंड फाइनली आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिवाइज करेंगे एंड देन यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम, 21st अक्टूबर इज योर एग्जाम डेट। अब इसमें आप कुछ टॉपिक्स को कम टाइम देख सकते हैं, कुछ को ज्यादा भी देख सकते हैं, लेबर कोड्स के लिए हमने 7 days डिवोट किए हैं, आप उसे कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं, ब्रीफली पढ़ सकते हैं कुछ एरियाज को और बाकी सबको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कंपनी एक्ट हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले। सो दिस ऑल इज एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं कट ऑफ पर, जो आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं, लास्ट टाइम ये एग्जाम 2015 में हुआ था, उसकी कट ऑफ हमारे पास नहीं है, बट आई हैव बीन एबल टू लोकेट कट ऑफ ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स, 2022 में ATC का हुआ था एयर ट्रैफिक कंट्रोल, 2020 में भी ATC का हुआ था, 2019 में फाइनेंस IT का हुआ था, तो उनकी ये कट ऑफ्स रही हैं, दिस इज व्हाट आई वाज एबल टू लोकेट। तो आप यहाँ पर देखिए कट ऑफ 84, 85, 89, दिस विल आल्सो बिकम इक्विवेलेंट टू 84, 85, कट ऑफ लगभग इतनी रही है आउट ऑफ 120, एक बार ऐसा हुआ था कि कट ऑफ 102 भी गई थी, तो आप ये देखिए कट ऑफ 90, 95, 100 तक भी जा सकती है, आफ्टर ऑल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी लोग सारे 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उन 120 क्वेश्चंस में कितने गलत होते हैं इस पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या स्कोर बन रहा है, सभी कैटेगरीज में बहुत ही कम्पिटिटिव कट ऑफ रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स टारगेट कीजिए, आई विल एडवाइज समवेयर 9500 के अराउंड सेफ स्कोर टारगेट करके चलिए, इतनी प्रिपरेशन कर लीजिए। So that's all in this video. If you have any doubts, if you have any queries, you want to check out our course, you can reach out to us on this number. We are starting Big B Day sale today and at present we are giving flat 60% off on all our courses. So if you want material for preparation for this exam, you want mock tests, you can check out our course. At iExamly, we help you prepare 50% faster with crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.